वेलकम स्टूडेंट्स, हियर एट फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। नाउ व्हाट इज ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स? ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स है इन कम्युनिकेशन सिस्टम द रिसीव्ड सिग्नल इज नेवर आइडेंटिकल विद द ट्रांसमिटेड सिग्नल ड्यू टू सम ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। मतलब क्या, अगर सेंडर जब रिसीवर को कोई सिग्नल सेंड करता है, ठीक है, तो सेंड करता है तो किसके जरिए जाता है? आइदर एनालॉग सिग्नल होगा या फिर डिजिटल सिग्नल होगा। तो ये जो सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, आइदर थ्रू केबल गाइडेड मीडिया या फिर अनगाइडेड मीडिया, मतलब थ्रू वेयर, तो उससे क्या होता है, जो सिग्नल होता है, सिग्नल में बहुत कुछ साइड इफेक्ट की वजह से ओरिजिनल सिग्नल रिसीवर साइड में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उस पर कुछ बदलाव आ जाता है ओरिजिनल सिग्नल में। तो जिसके लिए ये चेंजेस आ जाता है ओरिजिनल सिग्नल में, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। ओके, सो ड्यू टू ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स द रिसीवर कैन नॉट रिसीव द ओरिजिनल सिग्नल। तो उससे क्या होता है, जो ओरिजिनल सिग्नल होता है वो डिटोरिएट करता है, ठीक है। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स तीन तरीके का होता है, एक है एटीन्यूएशन, एक है डिस्टोरेशन, एक है नॉइस। पहला है एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन है क्या? एटीन्यूएशन मतलब, पहले एग्जांपल देखे बोलो, एटीन्यूएशन है क्या? देखो, ये ओरिजिनल सिग्नल है, इसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ देखो जितना आता है, ये है इसका फ्रीक्वेंसी। एटीन्यूएशन की वजह से अगर लॉन्ग डिस्टेंस जाता है तो ये वेव क्या होता है, अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में फ्रीक्वेंसी सेंड होता है तो ये वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिमिनाइज्ड होता है, मतलब इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ठीक है। अगर तुम का सामने रहते हो तो जितना जोर से किसी का बातें सुन पाते हो, हम लोग अगर कोई अगर डिस्टेंस में चला जाए तो उसका क्या होता है, बातें सुनना उससे कम सुनाई देता है। मतलब क्यों कम सुनाई देता है? क्योंकि ये जो वेव्स की वजह से हम लोगों का जो साउंड वेव जाता है तो वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए अगर ये सेंडर है और अगर ये अगर कम हो के अगर रिसीवर के पास जाता है तो वो क्या होगा, वो ओरिजिनल सिग्नल उसको नहीं मिलेगा। तो इसको बोले जाते हैं एटेन्यूएशन। सपोज पानी में जब वेव होता है, वेव भी तुम लोग अगर कोई वहाँ पे पत्थर फेंको तो उसके जो लहर होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरा एकदम पानी में फैल जाता है, मतलब उसका वेव कम हो जाता है। नज़दीक में जितना ज़्यादा वेव होता है, दूर में जाते वो कम हो जाता है, तो उसको बोले जाते हैं जो इफेक्ट से, मतलब उसका ट्रेंड जो कम होता है उसको एटेन्यूएशन बोले जाते हैं, ठीक है। तो वो एटेन्यूएशन, तो उसको अगर ओरिजिनल सिग्नल में देना पड़े तो जितना दूर होगा, तुम लोग अगर एक नेटवर्क कोई कैंपस में नॉर्मली लैंड बोलो या जो भी बोलो, सपोज यहाँ से तुम लोग कलकत्ता से मुंबई बातें कर रहे हो तो वो सैटेलाइट से जा रहा है, ठीक है, ओवर फोन। तो वो अगर यहाँ से वहाँ तक उसको डेटा जाएगा तो कैसे जाएगा, वो होगा थ्रू वेव, कुछ ना दो वो तो डेटा वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ओरिजिनल डेटा को सेंड करने के लिए क्या होता है, बीच में एम्पलीफायर यूज होता है। एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर उस जो कम हो जाता है उसको फिर से ओरिजिनल स्ट्रेंथ में उसको कवर अप कर देता है, वो होता है एम्पलीफायर का काम। तो ताकि बहुत दूर, सपोज एक नेटवर्क यहाँ पे है, एक है कंप्यूटर यहाँ पे, सपोज इसका डिस्टेंस है बहुत किलोमीटर, तो इसमें क्या होता है, बीच में एम्पलीफायर, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे इसको रिपीटर बोले जाते हैं, एम्पलीफाइड करते हैं। एम्पलीफाइड मतलब फिर से उसको पहले जैसे सिग्नल में कन्वर्ट करना, वो काम होता है एम्पलीफाइड करना, एम्पलीफायर का काम, जो हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं इन नेटवर्किंग, इसको बोलते हैं रिपीटर। रिपीटर यूज होता है जो एम्पलीफायर का काम करता है, ठीक है। तो एटेन्यूएशन क्या है, इट मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी, द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस व्हिच कॉजेस लॉस ऑफ एनर्जी इन ओवरकमिंग रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम, ठीक है। तो ये होता है एटेन्यूएशन। अब डिस्टोरेशन, डिस्टोरेशन क्या होता है, पहले एग्जांपल देके बोलो, फिर वहाँ पे तो जो लिखा है पढ़ लो ना। डिस्टोरेशन है ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क में क्या होता है, एक साथ बहुत सारा सिग्नल जाता है, यहाँ पे देखो बहुत सारे सिग्नल, मतलब फ्रीक्वेंसी अलग अलग, यहाँ पे देखो तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी जा रहा है, ठीक है। तो सबका टाइम पीरियड भी तो सेम नहीं है ना, सबका टाइम पीरियड भी तो अलग अलग होगा,
सब एक ही टाइम पीरियड में जाएगा, ये तो नहीं है कि तो फ्रीक्वेंसी अलग है, तो वो सब कंपोजिट होके एक सिग्नल में आ रहा है। अब ये जो अलग अलग की फ्रीक्वेंसी है, इसका अगर एक के साथ दूसरा मिलके क्या होता है, ये जो कंपोजिट सिग्नल है, कंपोजिट सिग्नल जो सिग्नल तुम लोग सेंड करोगे तो वो सिग्नल रिसीवर साइड में जाते जाते इतना सारा वेव यहाँ पे मिल रहा है तो एक दूसरे में ओवरलैप होके ओरिजिनल सिग्नल डिस्ट्रॉयड होता है, तो उसको बोले जाते हैं डिस्ट्रुएशन। ठीक है, ये इन जनरल कंपोजिट सिग्नल में होता है। इट मीन्स चेंज इन द शेप ऑफ द सिग्नल। ठीक है, मतलब ये स्ट्रेंथ कम हो रहा है ये नहीं, इसका जितना है मतलब यहाँ पे जितना फ्रीक्वेंसी जाना है उससे अलग दो फ्रीक्वेंसी मिलके एक नया साम अप करके अलग सा फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो जाती है। इट इज़ जनरली सीन इन कंपोजिट सिग्नल विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ईच फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हैज़ इट्स ओन प्रोपगेशन स्पीड। सबका अलग अलग सा टाइम इंटरवल होता है। ईच कंपोनेंट अराइव्ड एट डिफरेंट टाइम व्हिच लीड्स टू डिले डिस्ट्रीब्यूशन। हर कंप्यूटर अलग अलग से टाइम में रीच करता है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या होता है, एक पहले जाएगा दूसरा बाद में जाएगा, इससे क्या होता है डिले डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहुंचने के टाइम में भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो इसको बोले जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉइज है, नॉइज मतलब हम लोग क्या होते हैं कि कभी कभार हम लोग जब बातें करते हैं तो क्रॉस टॉक होता है, बीच में से कुछ आवाज आते हैं। सपोज एफएम रेडियो में हम लोग एफएम सुन रहे हैं, वहां पे कुछ बातें बातें नहीं आता है, दूसरा साउंड आता है ऐसे करके। और फोन में जब बातें करते हैं कभी कभार क्या होता है, कोई थर्ड पार्टी देखो सुन रहे होगे कि तुम दो जो दोनों बातें कर रहे हो उसके अलावा भी कोई एक और बातें कर रहा है, वो तुम लोगों का बातें नहीं सुन रहा है पर वो उसका बातें तुम लोग सुन पा रहे हो, तो इसको क्रॉस टॉक बोले जाते हैं। तो इस तरीके से ओरिजिनल सिग्नल के साथ अगर दूसरा कोई बाहर का सिग्नल आके मिलके ओरिजिनल सिग्नल को चेंज करते तो उसको बोले जाते हैं नॉइज। यहाँ पे देखो ये एक ओरिजिनल सिग्नल है तो उसके साथ नॉइज मिल रहा है, तो दोनों मिलके उसका पूरा सिग्नल ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये भी सेम है, नॉइज मिलके पूरा सिग्नल चेंज कर दिए, तो ये होता है इसका नॉइज। तो नॉइज होता है, चार तरीके का नॉइज होता है। एक होता है क्रॉस टॉक, इंड्यूस नॉइज, थर्मल नॉइज, इंपल्स नॉइज। इंड्यूस नॉइज मतलब ये सपोज तुम लोग एक डेटा सिग्नल जा रहा है, ठीक है, डेटा सिग्नल के सामने कोई जनरेटर चल रहा है, कोई मोटर वहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, तो उसका वो भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसका भी तो एक एनर्जी है, तो उससे जो प्रॉब्लम होता है सिग्नल में, जो नॉइस क्रिएट होता है, तो उसको इंड्यूस्ड नॉइज बोले जाते हैं। ठीक है, थर्मल नॉइस मतलब ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेयर, वेयर में हम लोग जब डेटा सेंड करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सबका तो एक इलेक्ट्रॉन है सब जगह पे, तो उसका जो मूवमेंट होता है वो इधर उधर जाके उसका जो ओरिजिनल पाथ है वो नहीं जाके इधर उधर चेंज हो जाता है, तो उससे जो होता है वो थर्मल नॉइज। थर्मल नॉइज मतलब हीट ज़्यादा होता हो सकता है, बाहर के बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अगर चेंजेस हो जाए तो उससे भी नॉइज हो सकता है। क्रॉस टॉक मतलब बाहर का कोई वन इफेक्ट ओवर द अदर्स, मतलब एक वायर दोनों वायर मिल जाता है तो एक का सपोज दो वेयर में दोनों बात कर रहे हैं, तो अगर एक वेयर दोनों वेयर को मिल जाए तो एक के बाद दूसरे को सुन पाओगे। इम्पल्स नॉइज इज ए सिग्नल विथ हाई एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम लाइटनिंग, मतलब अगर ये लाइटनिंग होता है तो वहाँ पे तो बोला ही जाता है कि लाइटनिंग में बातें मत करो, तो उससे भी क्या होता है, वो तो करंट है ना, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो उससे भी इफेक्ट पड़ सकता है जो ओरिजिनल सिग्नल में, मतलब एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल में, इसको बोले जाते हैं नॉइस। और एक है इंटरफेरेंस, वो भी एक नॉइस है। इंटरफेरेंस मतलब अगर कोई नॉइस तुम लोग सुनाई दे रहा है, मतलब नॉइस क्रिएट हो रहा है पर फिर भी तुम लोगों को वो सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, मतलब बातें कर रहे हो, बातें धीमी सुनाई दे रहा है या फिर बाहर से कोई थर्ड पार्टी घर 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 ऐसे साउंड हो रहा है पर फिर भी तुम लोगों को सुनाई दे रहा है, वो है एक नॉइस। आप इंटरफेरेंस मतलब उस नॉइज से अगर टोटली तुम लोगों का
इंटरफेयर करना मतलब क्या है, एक सिग्नल को पूरा एकदम चेंज करके दूसरा सिग्नल बना देना, उसको भी इंटरफेरेंस बोले जाते हैं। इंटरफेरेंस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ नॉइज। तो तुम लोग जब पढ़ोगे तो इंटरफेरेंस टर्म भी सुनोगे। तो ये तीनों है हम लोगों का ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, जो सिग्नल को जब सेंडर रिसीवर को सिग्नल सेंड करता है तो उसको सिग्नल को एकदम टोटली चेंज कर देता है।